सदर थाना क्षेत्र के सनावड़ा के पास नेशनल हाईवे 68 पर रविवार रात्रि को हुए भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत के साथ 12 लोग घायल हो गए। दरअसल बारातियों से भरी पिकअप और एसयूवी के बीच में यह भिड़ंत हुई। सूचना पर मौके पर सदर पुलिस पहुंची व घायलों को राजकीय चिकित्सालय इलाज के लिए भर्ती करवा दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को हाईवे से हटवाया। वहीं हादसे की सूचना पर वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी सहित कई जनप्रतिनिधि व अधिकारी भी चिकित्सालय पहुंचे। वही 12 में से 6 गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया। बाड़मेर जिले के सदर थाना क्षेत्र में NH-68 पर सनावड़ा गांव के पास रविवार शाम बारातियों से भरी पिकअप और एसयूवी कार में जबरदस्त टक्कर हो गई। इस भीषण हादसे में 2 वाहनों में सवार 14 लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायलों को निजी वाहनों एवं एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने 2 जनों को मृत घोषित कर दिया। चिकित्सकों ने 6 गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर कर दिया। वहीं अन्य 6 जनों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। बारातियों ने बताया कि लूणावा जागीर गुड़ामालानी से 3 गाड़ियों से बारात विशाला के लिए रवाना हुई थी। सनावड़ा के पास मोड़ पर बाड़मेर की ओर सामने से आ रही रफ्तार एसयूवी ने पिकअप को टक्कर मार दी। हादसे की जानकारी मिलते ही वन एवं पर्यावरण मंत्री एवं गुड़ामालानी विधायक हेमाराम चौधरी तुरंत राजकीय अस्पताल पहुंचे। कैबिनेट मंत्री चौधरी ने जिला अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात कर उनकी कुशल क्षेम जानी और अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर BL मंसूरिया से घायलों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। उन्होंने गंभीर घायलों पर विशेष रूप से निगरानी रखने के साथ बेहतर चिकित्सा दिलाने के निर्देश दिए। बहुत ही दुखद हादसा है। चल शादी में जा रहे थे और एकदम एक एक्सीडेंट होना, 2 डेथ तो मौके पर ही ऑन स्पॉट ही हो जाना, और बाकी ये 4 बहुत सीरियस है। अभी बाकी भी है, उनके भी बहुत काफ़ी चोट है। सरकार की तरफ से कोई आर्थिक सहायता दी जाएगी? सरकार की तरफ तो देंगे आर्थिक सहायता, पर अब आर्थिक सहायता से उनको ज़िंदगी तो नहीं मिलनी। इसलिए डॉक्टरों क्या निर्देश दिए गए मरीजों के इलाज के लिए? सही इलाज डॉक्टरों का यहाँ जितना इलाज वो करो, नहीं है तो आगे रेफर करो, कोशिश करो किसी तरह से जितनी भी उनकी जान बच सके, यही डॉक्टर। बेसड़ा और बीच रास्ते में सामने से एक गाड़ी आई, उन्होंने हमारी गाड़ी बोलेरो कैंपर थी उसको टक्कर मार दी। लगभग उसमें 12-13 आदमी घायल हुए, 2 एक्सपायर भी हो गए। एक्सपायर हुए वो एक ड्राइवर था जो चेनाराम चौधरी आज नकल भी बोलते हैं। और एक्सीडेंट हुआ, हम यहाँ आए, हमें भी पता नहीं चला, मैं भी साथ में था उनके। सड़क हादसे के दूसरे दिन सोमवार सुबह सदर थाना पुलिस ने मृतक भारथाराम पुत्र पीराराम रबारी उम्र 70 वर्ष निवासी रतनपुरा और 60 वर्षीय चनाराम पुत्र रणछाराम निवासी लूणावा जागीर के शव पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को दे दिए। वहीं पुलिस ने क्षतिग्रस्त दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर इस सड़क हादसे की जांच पड़ताल शुरू कर दी। हादसे में पिकअप सवार 2 बारातियों की मौत हो गई और दोनों वाहनों में सवार कुल 12 लोग घायल हो गए। ऐसे में शादियों की खुशियों में बीच लूणावा जागीर में मातम छा गया।